औरंगजेब नाम सुन के ना लोगों में बहुत सारा गुस्सा है इंडिया में। अब ऐसी कंडीशन में अगर किसी सूडो लिबरल को ये माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करनी हो तो वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि यार थोड़ी थोड़ी ना थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की जाए ताकि जो इमेज है ना वो हल्की फुल्की सुधर सके। पर साथ में ये भी बोलता रहूंगा कि औरंगजेब की जो चीजें है ना वो जस्टिफाई नहीं होती, पर हमें ना थोड़ा सा दोनों तरफ की बातों को सुनना चाहिए। वही किया मोहक मंगल ने पूरी वीडियो में, उसके अगर मैं थोड़ा सा कट कट करके दिखाऊं ना आपको जो कीवर्ड्स यूज करेगा ताकि सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग करी जा सके, एक बार देख लो। क्योंकि इस मूवी में एक किरदार है मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने खुद अपने भाई को नमाजी बुलाया। ये औरंगजेब को हम बस समझ नहीं पा रहे, बहुत छोटी उम्र से ही वो मुगल एम्पायर की राजनीति में फंस गए थे, जिसके बाद औरंगजेब फाइनली अपने माता पिता से मिल पाए। तो औरंगजेब ने कहा कि वो ज्यादा खुश तब होंगे जब वो एक फकीर बन जाएंगे। ये भी माना जाता था कि औरंगजेब बहुत ढीठ थे और वहीं कुछ लोग उनको बहादुर बुलाते हैं। दूसरी ओर शाहजहां ने कई सजाएं दी औरंगजेब को, पर औरंगजेब ने कहा कि ये तुम्हारे कर्म की वजह से है। औरंगजेब ने अपने भाई को मारा, क्योंकि भाई को मारना इतना भी अनोखा नहीं था उस जमाने में। कैसे सम्राट अशोका ने भी अपने भाइयों को मारा था। एक इंसान जो एंटी हिंदू था, एक इंसान जो एंटी सिख था, एक इंसान जो 6 या 9 साल के ह्यूमंस को भी नहीं छोड़ता था, उस इंसान को भी जस्टिफाई करने की हिम्मत हमारे यहाँ के सूडो लिबरल्स करते हैं। अब बाकी की बातें मैं इसकी वीडियो चलाते हुए करूंगा आपके सामने। आपने हाल ही में वाराणसी में एक विवाद देखा होगा ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, जहाँ ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये मस्जिद बनाया गया था एक मंदिर को नष्ट करके बादशाह औरंगजेब के आदेश पर। एलिगेशंस लगाए जाते हैं भाई, एलिगेशंस लगाए जाते हैं। ये बात भाई मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, ध्यान रखना इन जैसे लोगों की शक्लें याद रखना, क्योंकि अभी जो पूरी की पूरी लेफ्ट की लोबी है ना, जो लोग राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे, पूरे टाइम राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे और उन्होंने 70 साल तक पूरी कोशिश करी कि वहां पे राम मंदिर खड़ा ना हो, वो सारे आज क्रेडिट लेने आ रहे हैं। वो सारे बोल रहे हैं कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, राम मंदिर तो बनना चाहिए और हम भी जाएंगे। ये आते क्यों है? क्योंकि हम जैसे जो लोग है ना, वो पहले भी राम मंदिर के लिए खड़े थे, आज भी राम मंदिर के लिए खड़े, जब नहीं बना था तब भी उसके लिए मेहनत कर रहे थे, आज बन गया है तो उसकी खुशी है। लेकिन ये वो लोग हैं जो पहले राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे क्योंकि उससे इनका जो सेल्फिश नेचर है, इनका मनी है, फेम है, उसको सपोर्ट मिल रहा था। इनके सब्सक्राइबर्स, इनके व्यूअर्स, इनके जो पूरे वोटर्स हैं, वो इन्हें तभी इतने व्यूज वगैरह दे रहे थे क्योंकि ये राम मंदिर के खिलाफ खड़े हुए थे। जब राम मंदिर बन गया और इन्हें दिख रहा है कि इमोशंस इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, अब ये इधर आ गए क्रेडिट लेने। पर कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब को हम बस समझ नहीं पा रहे। कौन लोग कहते हैं? हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब को बहुत ही डाई हार्ड हेट करते हैं। ऐसे 2-4 लोग भी मिल जाएंगे जो औरंगजेब को अपना हीरो समझते हैं। लेकिन ऐसा कौन है भाई जो कहता है कि औरंगजेब को हम समझ नहीं पाए? ऐसा लग रहा है कोई सस्ती रोमांटिक फिल्म चल रही है कि तुम मुझे समझ नहीं पाए। ये मोहक मंगल जैसों का इंजेक्शन है जो आपको लगाया जा रहा है ताकि आप इस वीडियो के बाद जरूर कहने लगो 2-4 जो गिनती के होते हैं ना बेवकूफ से, जिनको आसान होता है बेवकूफ बनाना, कि हाँ भाई हम औरंगजेब को समझ नहीं पाए, औरंगजेब को हम बस समझ नहीं पा रहे। जैसे ये बताया जाता है कि कैसे औरंगजेब ने एक फरमान दिया था बनारस के मंदिरों को बचाने के लिए। पेज 277 मिडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू मुगल इंडिया पार्ट 2। जब औरंगजेब ने शारिया का अनाउंसमेंट कर दिया था इंडिया पे इम्पोज करने के लिए, उसने फरमान निकाला था कि जो इंडिया में बहुत ही प्राचीन मंदिर है उनको नहीं तोड़ा जाएगा। जब ये बोला जाता है कि कोई वेल सेटल्ड मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, इसका मतलब होता है कि बाकी के मंदिरों को आप समझ सकते हो। दूसरा, फरमान में ये भी बहुत क्लियर कट था कि कोई भी किसी भी तरीके का नया मंदिर नहीं बनेगा। साथ में ये भी था कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उनको रिपेयर करा जाएगा। अब ये रिपेयरिंग वाली जो चीज थी ये भी थोपी जा रही थी, कोई नहीं मांग रहा था रिपेयरमेंट, ताकि यही काम हो सके जहाँ पे बड़े बड़े बहुत प्राचीन मंदिर है वहाँ पे सिर्फ मंदिर ना रहे। पर एक दशक पहले औरंगजेब ने ये भी फरमान जारी किया था कि बनारस के हिंदू मंदिरों की रक्षा करी जाए। और अगर कोई भी थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला बंदा है तो वो आराम से समझ सकता है कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि अगर आप एक बहुत ही वेल सेटल्ड प्राचीन मंदिर को तोड़ते हो तो आपके खिलाफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बात इस भाई ने खुद बोली है कि औरंगजेब के पास ऐसे कोई इस टाइम की गवर्नमेंट वाली आर्मी और ये सब नहीं था। पर एक बात जो हमें पता होनी चाहिए कि 18वीं सदी में सरकारों के पास अपने इलाकों में इतना कंट्रोल नहीं था जो आज की सरकारों पर है, जिसका मतलब था कि औरंगजेब चाहे कहीं ऑर्डर्स दे रहा था पर उन सबको फॉलो नहीं किया जा रहा था। इसीलिए उसे ये भी मेंटेन करना पड़ता था कि भाई बड़े मंदिर प्राचीन मंदिर को नहीं तोड़ना है, अगर वो तोड़ा तो ऑपरेशन होगा और फिर वहाँ पे दिक्कतें आएंगी उसकी खुद की सल्तनत। अगर आप इसी किताब का पेज नंबर 280 पढ़ोगे तो आपकी चीजें भी समझ में आने लग जाएंगी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज कैसे इस्तेमाल हो रही थी। औरंगजेब ने जब तक उसका जो वॉर है बैटल ऑफ सामूगढ़ जो दारा शिकोह के खिलाफ लड़ा गया, उसको वो बैटल तक नहीं हुआ तब तक उसने कभी भी ऐसे कोई स्लोगन्स नहीं बोले, बातें नहीं बोली जिससे प्रतीत हो सके कि वो कोई डिफेंडर ऑफ इस्लाम है या वो इंडिया को कोई इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है। ऐसे कोई खास स्लोगन्स उसने नहीं बोले क्योंकि उसे पता था कि उसे लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसे लोकल राजपूत राजाओं का सपोर्ट चाहिए ताकि वो दारा शिकोह को हरा सके। इस वीडियो को जरूर देखिए। औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी। भाई साहब, मतलब अपनी ही वीडियो में इसे क्लियरली दिख रहा है
कि पीछे मोदी जी ने बोला है, इसीलिए इसकी पूरी वीडियो क्रिएट हुई है। पूरा लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है वो यही करेगा। जहां बीजेपी को थोड़ा सा फायदा होना शुरू हो किसी बात को लेके, ये लोग उस बात को नलीफाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी बात को जस्टिफाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मुईनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म हुआ था गुजरात के दाहोद शहर में, और वो शाहजहां और मुमताज महल के छठवें बच्चे थे। बहुत छोटी उम्र से ही वो मुगल एम्पायर की राजनीति में फंस गए थे। छह बेटे थे और औरंगजेब राजनीति में फंस गए थे। मैं बताया ना कि वही कीवर्ड यूज करे जा रहे हैं ताकि आपको इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाए कि आप औरंगजेब के लिए भी थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट रखो। और शर्म की बात यह है कि ये सॉफ्ट हार्ट जो रखा जा रहा है ना, इससे औरंगजेब को खास लेना देना नहीं है, इसका मेन लेना देना है, क्योंकि ये बीजेपी के सपोर्ट में जा रही है ये चीज। छह बेटे थे तो कौन सी पॉलिटिक्स में फंस गए थे, बाकी पांचों को किसने निकाला? अमेरिका के CIA ने। उनकी ना कोई दिलचस्पी थी पोएट्री में, ना हिस्ट्री में और ना पेंटिंग में, क्योंकि उनका मानना था कि इनमें से कई चीजें इस्लाम के खिलाफ है। पोएट्री और ये सब बंद कर दिया गया था। और ये नहीं बताएगा ये भाई के औरंगजेब जो है वो खुद ही इतना तगड़ा वीणा आर्टिस्ट था, मतलब वो वीणा बजाता था, और उसने जो है सिंगिंग बंद कर दी थी लेकिन म्यूजिक बंद नहीं किया, क्योंकि वीणा तो उसको मजा आता था बजाने में, तो जैसा उसका हिसाब हो मूड हो उस हिसाब से वो बैन करता था, उस हिसाब से वो बैन नहीं करता था। और वही कुछ लोग उनको बहादुर बुलाते हैं। बादशाह शाहजहां अपने चार बेटों के साथ हाथियों की एक लड़ाई देख रहे थे, एकदम से हाथी छूट गया और वो चार राजकुमारों की तरफ भागा, जिनमें से एक था औरंगजेब। अब तीन राजकुमार उधर से भाग गए, पर औरंगजेब उधर डटा रहा और उसने अपने हथियार से उस हाथी को मार गिराया। हाथी को मार गिराया कैसे मोहक भाई, ऐसे? पर ये तो अकबर है। हिस्टोरियंस जब स्टोरी लिखते हैं ना लोगों के बादशाहों की, तो वो हमेशा ऐसा ही होता है कि सबसे बड़ा जानवर कौन है, हाथी, तो हाथी को ही गिराएंगे, क्योंकि स्टोरी में तो दिखाना है ना भाई कि बादशाह कितना बड़ा था। बहुत सारे हिस्टोरियंस हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं जिनकी जो किताबें कलमों से लिखी गई है ना, जो वो कलम नहीं लिख रही थी, वो तलवार लिख रही थी मुगल एम्पायर। यहाँ औरंगजेब बहुत कंजर्वेटिव इस्लामिक बन गया, दारा शिकोह बहुत अलग था। दारा शिकोह को सेक्युलर और लिबरल बुलाया जाता है। दारा शिकोह इज अ लिबरल, लेकिन आयरनी ये है कि ये जो सूडो लिबरल्स है हमारे यहाँ के, ये अपने ही जो खेमे वाले लोग है ना उनका सपोर्ट करते, क्योंकि ये खुद में ही इतने सेल्फिश और खुद में ही अपने मनी फेम और इस चीज में इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि ये अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। दूसरी ओर शाहजहां ने कई सजाएं दी औरंगजेब को, जैसे 1644 में शाहजहां की बेटी जहरा बुरी तरह घायल हो गई थी। उस समय औरंगजेब डक्कन के इंचार्ज थे, जिस वजह से वो अपनी बहन से तुरंत मिलने आ नहीं पाए। जब औरंगजेब 3 हफ्ते बाद अपनी बहन से मिलने आया तो शाहजहां बहुत गुस्सा हुए इस देरी को लेकर, और उन्होंने औरंगजेब को अपनी पोस्ट से निकाल दिया। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए कैसे घुमा के लाया गया है। ये बंदा ये नहीं बताएगा कि जो जहानारा है वो मोस्ट बिलव्ड डॉटर थी शाहजहां की, और जो जहानारा है वो दारा शिकोह को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसे एम्परर बनते हुए देखना चाहती थी, और ये बात औरंगजेब को अच्छे से पता थी। इसने ये सारी बातें छुपा ली क्योंकि इसको तो वो वाला थॉट प्रोसेस स्टार्ट करना था ना कि लोग औरंगजेब को समझ नहीं पाए। और बता देता हूँ आपको मैं, जब औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया तो जहानारा को उसने हाउस अरेस्ट करके रखा था बहुत लंबे टाइम तक, और जहानारा पे जो टाइटल था एम्प्रेस ऑफ प्रिंसेस का वो भी छीन लिया गया, उसकी छोटी बहन को दिया गया। अगर जहानारा की स्टोरी में और कुछ नहीं था, औरंगजेब सिर्फ वहां पहुंच नहीं पाया, तो फिर जहानारा को हाउस अरेस्ट क्यों करा भाई, उसे टाइटल क्यों लिया, उसको क्यों परेशान किया? जो औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ किया वो आप किसी अमेरिकन टीवी सीरीज और बॉलीवुड मूवी में भी ना देख पाए। अब कई हिस्टोरियंस ने दावा किया है कि ये कहानी सच नहीं है, पर ये उदाहरण एक ऐसी कहानी का जो औरंगजेब चाहता था कि लोगों को पता चले। ये पॉइंट तो खैर मैंने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन अभी मेरे को दिमाग में आया कि भाई ये चीज तो है ही। इस बंदे ने खुद ही मेरी बात को प्रूव कर दिया कि हिस्टोरियंस जो है ना, उनकी जो कलम से लिखी जाती है चीजें, वो उनकी कलम से ज्यादा मुगल एम्पायर की तलवारों से चीजें लिखी जाती थी। अब लेकिन इस बंदे की ये चालाकी देखो कि यहाँ पे तो ये वाली बात, ये बंदा बोल रहा है कि दारा शिकोह को उसने मारा या नहीं मारा या कैसे मारा, ये स्टोरी हो सकता है सच ना हो, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कुछ अलग तरीके से दिखाई है। भाई मतलब ऊपर तो तूने सारी बातें क्लियरली बोल दी कि हाँ यही फैक्ट है, और जब ऐसी चीज आई जिसमें औरंगजेब जो है वो एक अपने भाई को इतने गंदी तरीके की मौत देते हुए या अपने फादर को गंदे तरीके से ट्रीट करते हुए दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है ये स्टोरी ट्रू ना हो भाई साहब, क्योंकि क्या है ना, हम औरंगजेब को समझ नहीं पाए। ये भी दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों और मठ को पैसे भी दिए,
हिस्टोरियन इरफान हबीब ने बताया। क्या बोला भाई? इरफान हबीब। भाई आप जो वीडियोस देख रहे हो आप खुद जाके देखो कि इरफान हबीब साहब कौन है। जिनको नहीं पता है बता देता हूँ कि इरफान हबीब साहब वो हैं जो बोलते थे कि नेशनलिस्ट जो है ना, इंडियन नेशनलिज्म, वो एक बीमारी है। और मतलब गरीब इंसान जो अपने आप को अगर इंडिया से कनेक्ट कर रहा है ना, उसकी लोकेशन को और उस पर प्राउड फील कर रहा है, तो वो एक बीमारी है। या ये जो अमीर ज्यादा होते हैं ना, जिनके पास फैसिलिटीज होती हैं और जिनकी जो बात है वो ऊपर तक जाती है ना, ये बहुत प्रिविलेज होते हैं। इनकी जो प्रिविलेज है ना, इनको अंधा कर देती है, इनको कुछ समझ नहीं आता। इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं, 90% लोग जो कभी इंडिया के बाहर नहीं गए। अब उनके पास आइडेंटिटी ही सिर्फ इंडिया की है, लेकिन जो लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उन लोगों को कितना आसान लगता है ना कि इंडियन नेशनलिज्म क्यों होना है भाई, हम तो यूरोप में भी मजे कर लेते हैं, यूरोप की वाइन तगड़ी है, इटली का पिज्जा तगड़ा है, हमें तो मजा आ रहा है जिंदगी का। तो प्रिविलेजेस कैन जस्ट मेक यू ब्लाइंड। दूसरी चीज जिससे हम सभी शायद सहमत होंगे कि हम आज के मुस्लिम्स को सजा नहीं दे सकते उन मुगल पॉलिसीज के लिए जो 300 साल पहले लागू हुई थी। ये बकवास भाई प्लीज मत कर यार, गुस्सा आता है लिटरली मत कर। पहली चीज तो जो इंडियन मुस्लिम है ना, उनका औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनना, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें कि जैसे उर्फी जावेद या कोई और है ना, बहुत लोगों को इनको गुस्सा आता हुआ इनकी बातों पे ना। अब इसी गुस्से में ये लोग इनके इंस्टाग्राम वीडियोस पे कमेंट वगैरह करते हैं या उनकी बातें करते हैं बैठ के कहीं पे भी। अब ये बात करना और उन पे कमेंट करना, चाहे आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो भी उनकी मार्केटिंग का हिस्सा है। तो इसी तरीके से ये भाई जबरदस्ती तू कहां से लाइन उठा के लाया कि सारे इंडियन मुस्लिम्स को इससे मत जोड़ो। भाई किसने बोला तुझसे? कोई नहीं जोड़ता। और अगर कोई जोड़ रहा है तो उसकी मार्केटिंग तू अपनी वीडियो से जो कर रहा है ना, वो मत कर भाई, मत कर। हर रिलीजन में क्रूअल रूलर्स हुए हैं। अगर हिटलर है तो सारे जर्मन्स जो हैं वो हिटलर से बिलोंग थोड़ी करते हैं, या फिर हिंदू रूलर्स भी ऐसे हुए होंगे जो बहुत क्रूअल थे, अब उनसे डायरेक्टली जोड़ा थोड़ी जाता है। हाँ, दो चार ऐसे होंगे जो इसे हीरो मानते होंगे, जिनका ब्रेन वॉश हो रखा है, लेकिन उनको इग्नोर करके ना ये सारी चीजें मत कर भाई। और लास्ट चीज है कि औरंगजेब ने सिखों के साथ क्या किया। और आगे तू समझाने की कोशिश कर रहा है औरंगजेब अगेंस्ट सिख गुरुज। भाई पहली बात तो तेरा वजूद ही नहीं है कि तू उसके बारे में बोल सके। औरंगजेब के राज के दौरान सिख गुरु की पॉलिटिकल पावर अपनी कम्युनिटी में बढ़ रही थी। उन्होंने गुरु को मारने का आदेश दिया 1675 में, और गुरु गोविंद राय जो 10वें और आखिरी गुरु थे, उन्होंने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया। अब इस इंसिडेंट के बारे में भी हिस्टोरियंस बटे हुए हैं। जेडी कनंगम ने कहा कि औरंगजेब ने सिख गुरु को मारने का आदेश दिया अपनी राजनीति की वजह से। पर तेरे को शर्म आनी चाहिए कि तूने जो पूरा टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करी है, उसमें तूने औरंगजेब वर्सेस सिख गुरु दिखा दिया। भाई तेरी स्टोरी में ना ये कहां पे है कि एक 6 साल के साहिबजादे और एक 9 साल के साहिबजादे, जोरावर सिंह साहेब और फतेह सिंह साहेब, इनको उसने औरंगजेब ने अलाइव अलाइव चिन दिया था जस्ट बिकॉज दे रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम। जो वीडियो मेरी देख रहे हो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा के देखो कि अगर मैं ये वाली बात बोलता हूँ कि एक तरफ औरंगजेब था, एक तरफ सिख गुरुज थे, दो किंगडम्स थे, सिख गुरुज की ताकत बढ़ रही थी, तो औरंगजेब ने अपनी चीजें करी, भाई ये बंदा कितने आराम से ना सॉफ्ट इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर वही चीज मैं आपको ये बताऊं कि एक 6 साल के और एक 9 साल के जो दो ह्यूमंस हैं उनको जिंदा चिन दिया गया, तब आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन ये इस तरफ की स्टोरी बोल ही नहीं रहा है। ये सूडो लिबरल्स खा जाएंगे भाई, खा जाएंगे। जब मैंने ट्विटर पे पिछली बार ये पोस्ट डाली थी ना कि हाउ मच सेल्फिश यू नीड टू बी टू सपोर्ट औरंगजेब, मैंने ये मोहक मंगल को टैग करते हुए डाली थी, तो मोहक मंगल ने आगे रिप्लाई किया कि भाई आपके सब्सक्राइबर्स मेरे को हैरेस कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहा है नाटक? सोशल मीडिया पे ना एक बंदा नहीं होगा जिसके 10,000 फॉलोअर्स भी हो गए ना, उसको भी लोग हैरेस करना शुरू कर देते हैं। ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है तू? मिलियंस में तेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तेरे को पता नहीं है कि ये सब क्या होता है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ टाइम बाद वहीं पे ही अपने सब्सक्राइबर्स को बोला था कि भाई मैं सीधे बोलता हूं, कोई भी किसी को जाके गालियां नहीं देगा, बाकी तुम्हें जितने मर्जी कमेंट करना है करो, अगर ये लोग ब्रेन वॉशिंग कर सकते ना तो तुम भी इनको बोल सकते हो तुम्हें जो बोलना है, लेकिन गाली गलोच नहीं करना। अब अगर मोहक मंगल भाई तेरे दिमाग में कुछ रह रहा हो ना, एक बात क्लियर कर देता हूं, तू मेरे को ये बता क्या तूने गुरु गोविंद सिंह जी पे कोई वीडियो क्रिएट करी? क्या तूने महाराजा रंजीत सिंह पे कोई वीडियो क्रिएट करी? क्या तूने छत्रपति शिवाजी महाराज पे कोई वीडियो क्रिएट करी? क्या तूने महाराणा प्रताप पे कोई वीडियो क्रिएट करी? नहीं करी। तूने औरंगजेब पे वीडियो क्रिएट करी, उसमें तूने बात करी सिख किंगडम की, उसमें तूने बात करी मराठाओं की, राजपूतों की। तू अपने आप से सवाल पूछ भाई कि तेरी फीड में इन लोगों की कोई जगह नहीं है और इस एक इंसान की तरह दिमाग में बहुत जगह है जिसने 6 साल और 9 साल के साहिबजादों को चिनवा दिया हो जिंदा? ये मत सोचना भाई कि तेरे अगेंस्ट मेरे को कुछ है कुछ नहीं है। नहीं भाई, ये जो तुम्हारी सूडो लिबरल की मेंटेलिटी है ना, जो लोगों को बहुत हार्म कर रही है और जो पास्ट में लोगों के साथ हुआ है यार, उसके साथ तुम कितना बड़ा इनजस्टिस करते हो, उस चीज के खिलाफ बोलना पड़ता है। That's it. See you in the next video.